गुरु के द्वारा, मित्र के द्वारा, विघ्न बाधा के द्वारा, अनुकूलता के द्वारा कैसे भगवत प्रेरणा होती, कैसे लीला है। तेरी लीला तू ही जाने है जग के पालनहार, कुमारा वालुड़ा हे प्रभु। बस बस आपको पहुंच गई, लेकिन अभ्यास बहुत चाहिए, क्योंकि उल्टा अभ्यास बहुत है। ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अभ्यास और वैराग्य मन की शोभा है, भगवत अभ्यास और विषय विलास और मन मुक्ता से वैराग्य। बेलगाम घोड़ा बिना स्टीयरिंग के गाड़ी, और बिना नियंत्रण और बिना नियम निष्ठा के मन तबाही कर देता है। अगर अपनी तबाही करना हो तो मन कहे ऐसा करो, और अपने को आबाद करना हो तो शास्त्र और सदगुरु के सिद्धांत में मन को चलाओ। बस आप अपनी तबाही चाहते हो कि अपना कल्याण चाहते हो, निर्णय करो। अपने को वो जान जहां कोई शोक नहीं, कहां दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, और अपना कर्तव्य सहज में कर्तव्य पालने का भी आनंद है, पर हित का भी आनंद है। पर है ही नहीं, अनेक स्वरूपों में अपन ही है, मौज ही मौज है। दुख विघ्न तनाव टेंशन जिम्मेदारियों के बंडल पड़े हो, लेकिन तब तक ये ऐसे है, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। अरे जिम्मेदारी और जिसकी है वो, उसमें भी अपन हो भी है। बस भगवत ज्ञान की, भगवान की सत्ता की स्वीकृति कर लो, चेतन के सत्ता की स्वीकृति कर लो, चेतन की लीला की स्वीकृति कर लो, मौज आए। जेतने गमे ए मने गमे, जेतारू वालू ए मारू वालू, जो तुझे अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगे, जो तेरा प्यारा वो मेरा प्यारा, जो तेरा आत्मा हो मेरा आत्मा है, लेकिन पता नहीं है, तू बता तेरा आत्मा कैसा है। तू सत्य है, तू चेतन है, तू आनंद है, तू विभू है, तू व्यापक है, व्यापक सर्वत्र है, तो फिर यहां भी तो तू और मैं आकृति दो है। अपने कचमारा वालूड़ा मौज से आनंद से अनुभवी ने एटलू आनंद मारे उमरे, आत्मा ना ज्ञान सिवाय कहीं न के उमरे वीरा, अनुभवी ने एटलू आनंद मारे उमरे। सुख दुख आवे तो वीरा सही रे उमरे, सुख दुख आया जाए, आत्मा ना ज्ञान सिवाय कहीं न के उमरे वीरा, अनुभवी ने एटलू आनंद मारे उमरे। आनंद ही आनंद है। हरि ओम भगवान हे प्रभु। तो ये भाव रस लो, कोई बात नहीं, कभी वीर हास वीर रस, भाव रस, करुणा रस, कई रस है, लेकिन वो रसो वैसे ही तो है, उसी रसो वैसा वैश्वान रहो, उसी के तो रस है। भाव रस, करुणा रस, वीर रस, हास्य रस, विनोद रस है। दाढ़ी लंबी थी मैं हाँ मैं सामने तीतर नहीं जम ठम ठम आए, वो भी रस ले लिया, क्या है ये दोनों करते ना दाढ़ी वाले। तमाम दुनिया प्रभु का खेल है, तो ये भक्ति भाव और सच्चा सारा मिथ्या है, स्वप्न तुल्य है, आत्मा चैतन्य ज्ञान भाव। एकाग्रता करके शांति और सामर्थ्य भरे योग मार्ग में अविकम्प योगे न समाधि वाला तो समाधि करेंगे शांति, फिर उठेंगे तो मन इधर उधर जाए, लेकिन सर्वत्र भगवान देखकर भगवत प्रेम करे तो अविकम्प योग, योग कंपित नहीं होगा भी, अभी कंप योग। लेकिन ये कैसे हो, सुना है बिल्कुल कल्याणकारी, अभ्यास जीव भाव का, भोग वासना का पुराना है,
तो वशिष्ठ जी कहते राम जी दीर्घ काल तक शास्त्र और संत के वचनों का आदर सहित अभ्यास करने से जीव को का चित्त स्वस्थ होता है। जहां से बात चली वहीं पूर्ण आहुति होनी चाहिए, उसी के विषय में समर्थन होना चाहिए। ये सत्संग करने की या किसी विषय पर बोलने की रीत होती है। आप जो बोलना चाहते उसी के संदर्भ में दृष्टांत और बीच बीच में वही सिद्धांत की याद हो और अंत में वही पूरा। ऐसा नहीं चालू कहीं से किया, बीच में कहीं चले गए, अंत में कहीं पहुंच गए। ये तड़ातड़ी धड़ाधड़ी मनोरंजन है, शास्त्रीय व्याख्या नहीं। तो फिर वो आया, फिर तो इसने ऐसा बोला, फिर ये नहीं। सार गर्भित वचन, पुनरावृत्ति व्यर्थ की ना हो। आरंभ में सहज सरल, बीच में ऊंचा गंभीर, अंत में हल्का फुल्का, ताकि सुनने वाले को भारी न लगे। लेकिन आप ईश्वर में रहो तो फिर आपको ये सब चिंतन चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कोई पोथे पढ़कर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब आएगा। कैसा बैल के द्वारा भी गुंडों को। दूसरा एक परिवार में 5-6 धड़फड़ गए तो घर में गए तो घर वाला बोले 25 लाख लो दो नहीं तो तुम्हारा छोकरा ले जाएंगे। बोले बाबू जी 25 लाख अभी कहाँ है। बोले ले जाते इकट्ठे करके तो नाग रहता था कभी कभी, उसका आदर करते थे, नाग में भी भगवान। तो मन ही मन नागदेव को बोला आप ही, अभी तो आप ही हमारी रक्षा कर। तो धाक धमकी दे के कुछ तो ले जाना चाहते थे, लेकिन नाग निकला तो छोरे को उठा के भाग गए और कुछ लिया नहीं। फिर उन्होंने भेजा चिट्ठी, समाचार भेजा कि तुम फलानी जगह आ जाओ, चलो 25 लाख नहीं तो इतने लाख ले आओ। फिर वो प्रार्थना किया और नागराज टोकरी में लेके थैली में ले गए। वो समझे कि चलो 12 लाख लाए, वो लड़का ले आए। 12 लाख की थैली देने के बाद उसने थैली रखी, वो करंडिया तो खुले जैसा था। नाग निकला वो दिन गुंडे भाग गए, चोरा छोड़ गए। तो कैसे रक्षा करता है, नाग के द्वारा, बैल के द्वारा, गुरु के द्वारा, मित्र के द्वारा, विघ्न बाधा के द्वारा, अनुकूलता के द्वारा। कैसे भगवत प्रेरणा होती, कैसे लीला है तेरी, लीला तू ही जाने है जग के पालनहार। हमारा वालुड़ा है प्रभु, बस आपको पहुंच गए। लेकिन अभ्यास बहुत चाहिए, क्योंकि उल्टा अभ्यास बहुत है। ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। फरियादात्मक अहंकारात्मक अभ्यास पुराना है, इसलिए भगवतात्मक अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। जितना कांटा गड़ गया है उतने ढंग से जैसे कांटा निकले निकालो। ये तो खाली सुनते हो तो इतना आनंद और शांति और पुण्य कितना सारा हो रहा है, इसका अभ्यास हो तो बस अनुभव हो जाए। वो कौन है जो घर बार छोड़ गए, सब कुछ फेंक दिया है, सब कौन है पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए? मछुआओं को किसने रोका? 150-200 माछी लोग हथियार लेकर चोर समझकर रात को मारने को आए। वैसा कौन है
जो उनको प्रेरित किया और सब अलग हो गए। क्या हमारे में इतनी ताकत थी कि हमको देख के सब डर जाए, अलग अलग हो जाए? कैसा है प्रेरण, कैसा लक्ष्य? हे बाबा इधर आप, जानबूझ के अनजानी जगह पे गए थे, हाथ धारिया रख दिया गले पे, खेचू खेचू तेरी मर्जी, पूरा धारिया गिर गया, वो प्रणाम करने लगा, वो कौन धारिया गिराता है, कौन प्रणाम करने की प्रेरणा देता, और यहाँ कौन देता कि भाई कुछ नहीं करे। एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। तो प्रतीक्षा उसकी होती है कि अभी नहीं है आएगा, और समीक्षा उसकी होती है कि है लेकिन कैसा है। तो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, भगवान की भी प्रतीक्षा मत करो। वाट नहीं जो भगवान ने कि हमारा आवसे, पण इनी कृपा ना दर्शन करो ना हमारा छे एनो अनुभव कर। वाट नहीं जो मारे हाथे से वाट सूझो, पर तू कहे वो छे मने खेजे। गंधर्व में फिर लाल जी महाराज, फिर नारायण, ये सब कैसी आकृतियां बनती है, नाचती है, खेलती है, अंत में शमशान में फिर भी दूसरी बन रही है, चल रही है, कैसी है तेरी व्यवस्था, क्यों से बनो? देख देख के उसकी याद कर, तक दे बाजीनू, बाजीगरनू कोई नहीं तकदा। भगवान का खेल देखते और खेल को सच्चा मानकर परेशान हो रहे, लेकिन खिलाड़ी को देख, खेल के पीछे खिलाड़ी के हाथ को देख, सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता की सत्ता को देख। फूलों की सुगंध ले, लेकिन सुगंध दाता को याद रख, तेरे को सुगंध पोषण देगी। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सात्विक सुगंध पुष्ट करती है ज्ञान तंत्रों को, मन को। पहले हमको नहीं समझ में आया था, जब एक अच्छा प्रेत किसी में घुस के आया तो बोले औत को तो कुछ नहीं चाह, अगरबत्ती जलाया कर, ऐसा हमारी इच्छा है। तो मैं कह अच्छा भाई तुम जला लेना, फिर दूसरे एक 80 साल के वैद्य आए तो बात बात में वो बोले, फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो मेरे को वो दो दिन पहले की बात याद आई कि वो सुगंधी जाते तो उनको थोड़ी पुष्टि मिलती होगी, जाते समय पानी का छींटा, वो भी जीवनी शक्ति है। भाव कैसी व्यवस्था है, सुगंधी से कोई पुष्ट होता है, वातावरण से प्रसन्नता होती, पुष्टि होती, फूल प्रसन्नता देते। लेकिन आजकल तो केमिकल की अगरबत्तियां कार्बन देती, पुष्टि क्या देती, सात्विक सुगंध हो। इसलिए को चंदन अगरबत्ती का क्या, उसमें घी पड़ता है देसी। तो ये कैसा कैसा है, वैसे भी अपने घर में अगरबत्ती नहीं होता, अगरबत्ती कैसी कैसी, देसी घी हो थोड़े उसकी बूंदे सुगंध की, घी डालो अग्नि में सुगंधी होती है और पुष्टि मिलती है, कैसी लीला है। मुल्तानी मिट्टी रगड़ के स्नान करते हैं, खुजली और पित्त वित्त शमन होता है, आज हमने नहाए बड़ा अच्छा लगा। मिट्टी तो बहुत है, मुल्तानी मिट्टी में कैसे गुण रखे कि रोम कूप से गर्मी निकाल लेती है फालतू, कैसा। सांप के ऊपर प्यार की नजर डालो तो विषैला स्वभाव भूल जाता है, भय भी भूल जाता है, कैसी। बस देख देख के जियो, देख देख के पियो, पियो जियो, जियो पियो, फिर उसी में हो जाओ, बस मौजी मौज है। हाँ हे राम जी, तुम मन को विवेक से वश करो,
मन रूपी मणि को आत्मविचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके मन रूपी मणि को वैराग्य की शिला से घिसो तो मन मणि घिसे की फिर छेद हो अभ्यास से वो मणि की शोभा है, मन की शोभा है। ओ अभ्यास और वैराग्य मन की शोभा है, भगवत अभ्यास और विषय विलास और मन मुक्ता से वैराग्य। बेलगाम घोड़ा बिना स्टीयरिंग के गाड़ी और बिना नियंत्रण और बिना नियम निष्ठा के मन तबाही कर देता है। बेलगाम घोड़ा, घोड़े पे तो बैठे लेकिन लगाम आपके हाथ पे नहीं, क्या कर देगा, कहां पहुंचेगा। गाड़ी तो फास्ट है लेकिन स्टेरिंग काम नहीं करता, कहाँ पहुंचे। ऐसे शास्त्र के अनुसार, लौकिक मर्यादा के अनुसार मन को नियम में बांधे रखना पड़ता है। जैसे मन आए उड़ा के ले जाएगा तो मन पुष्ट हो जाएगा, देह ध्यास पुष्ट हो जाएगा, वासना पुष्ट हो जाएगी, खिन्नता पुष्ट हो जाएगी, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। इसीलिए लगा 7 साल बैठे रहे निशा की गोटिया में, गुरु की लगा 7 साल, तो हमको तो लाभ हुआ। गुरु की लगाम लगा के मन आज्ञा में रखा तो हमको तो लाभ हुआ, और हमको जैसा अच्छा लगे ऐसे करते आते तो हमारी तो बहुत तबाही हो जाती। बापूजी ने कहा बस वहीं रहो, 7 साल एक जगह पे हम पड़े रहे, उनकी आज्ञा मंगाते थे, कभी आबू की गुफा में अथवा कभी नैनीताल आज्ञा देते तब हम जाते, 5-25 दिन रहते। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, अगर अपनी तबाही करना हो तो मन कहे ऐसा करो, और अपने को आबाद करना हो तो शास्त्र और सद्गुरु के सिद्धांत में मन को चलाओ। बस आप अपनी तबाही चाहते हो कि अपना कल्याण चाहते हो, निर्णय कर लो, फिर उससे हटो नहीं। अभी निर्णय किया, थोड़ी देर के बाद हट गए तो आप की स्थिति दयाजनक है। आपका अपने मन पर ही विश्वास नहीं तो लोगों का विश्वास आप पे नहीं टिकेगा। आप पूजने योग्य तो नहीं लेकिन धरती पे सदग्रस्त के योग्य भी नहीं जी सकोगे, पूजने योग्य तो नहीं हो पाओगे। पूजने योग्य तो जो गुरुओं की शास्त्रों की आज्ञा में रहेगा वो, लेकिन जैसा मन का ऐसा करने लग जाए तो आप एक साधारण गृहस्थी जैसा भी जीवन नहीं गुजार सकते। थोड़ी बहुत पुण्य आई है या किसी का किसी पुण्य के बल से चला फिर ठुस हो जाओ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही आपके बंधन का कारण बनेगा अगर उसके कहने में लगे तो, और अगर नियंत्रण से चलाए तो वही मुक्तिदाता बन जाए। अच्छा, जो शास्त्र और गुरु के नियंत्रण में नहीं हुआ, ज्ञानी मुंडों के नियंत्रण में आके ही रहेगा। जो एक की शरण नहीं जाता उसको हजारों की शरण जाने के बाद भी शांति नहीं मिली, सब सुख चाहते हैं। तो जो सच्चे भक्त और ज्ञानी है वो एक से सुख चाहते, एक की शरण जाते, और जो मनमुख है वो हजारों की शरण जाते। ये करो दो सुखी हूँ, ये पाऊँ तो सुखी हूँ, ऐसा करो दो सुखी हूँ, कितने कावे दावे छल कपट, फिर वहां से धक्के भी लगते रहते, धोखे भी मिलते रहते, सुख के बदले दुख ही दुख हो जाता है। तो संसार में दुख है नहीं लेकिन मन मुक्ता के कारण लगता है कि दुख ही दुख है। संसार किसी शत्रु ने नहीं बनाया,
किसी मूर्ख ने नहीं बनाया, आपके विरोधी ने नहीं बनाया, आपके परम हितैषी ईश्वर ने बनाया, परम ज्ञान स्वरूप ईश्वर ने बनाया, परम समर्थ ईश्वर ने बनाया। जैसे माँ बाप बच्चे के लिए दुख थोड़े देंगे, ऐसे भगवान और भगवान की प्रकृति दुख नहीं देती, लेकिन बच्चा जब अपना काला मुंह खुद ही करे तो माँ बाप क्या करेंगे, न जाने जगह जाएगा, अपने मैले में हाथ डालेगा, ये करेगा वो करेगा, मिट्टी खाएगा, तो फिर दुखी होगा। जिसको कोई कहने वाला नहीं है उसकी स्थिति दयाजनक है। हाँ, ब्रह्मवेता हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, फिर भी या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च, ओ